आप सभी घर बैठे माघ मेला का आनंद लीजिए और बहुत ही आकर्षित यहाँ का देखिए वातावरण है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो और भी बहुत सारा कुछ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और आनंद लीजिए माघ मेला का, 2023 का माघ मेला। मजा के स्टॉल लेना भूल गए, स्टॉल लेना कान में। गंगा मैया ही रक्षा करे, जाड़ा वड़ा ना लगे। गाड़ी क्षेत्र आप गंगा यमुना सरस्वती का मिलन, और सभी श्रद्धालु यहाँ पे आके स्नान ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। आगे जाते हैं तो उधर वीआईपी घाट है, यहाँ पे वीआईपीओ का अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी अलग से व्यवस्था है नहाने की।
अच्छा, हम लोग VIP में नहीं आते? नहीं, हम लोग ऑर्डिनरी घाट पे हैं जहाँ पे सबको आना जाना अलाउ है। VIPs के लिए वो सिर्फ है, वहाँ पे नेता मंत्री विधायक वही जाते हैं। पंगुड़ी पंगुड़ी तुम कुछ बोलो। पंगुड़ी बोल दो जय। पंगुड़ी बोलो जय। पंगुड़ी बोलो गंगा मैया की जय। बोलो नहीं बोलेगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग भी देखिए, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और बगल में आरती भी हो रही है, भंडारा भी चल रहा है और लोग पूजा भी कर रहे हैं और रात में भी बहुत लोग स्नान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पर, मैंने सोचा क्यों ना शूट करते हूँ, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और आगे बहुत भीड़ होने के कारण कुछ ये जितने में भी केबिन बने हुए हैं, ये कपड़े बदलने के लिए बने हुए हैं कि किसी को भी असुविधा ना हो बाहर। ए, का पीछे से खोद रही हो? चलो योगी जी की तरफ से सब देख ले, गुब्बारा फुलाओ तो ये फुला दे बिट्टी। वो क्या बात किसान, गुब्बारा फुला के दिखाएंगी ये, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चलो चलो बेटा, फुला ली इसी वाले को दक्षिणा दे दे। नहीं होएगा, इनके रोज का हमें 72 मिली है, खुशबू 72 मिली है, मेला क्षेत्र है। जाओ, ठंडी बहुत है। कह रहे ये सारी व्यवस्था जो है सब योगी जी कर रहे हैं। आप जो भी रहेगा सत्ता में वही तो कराएगा। देने के लिए दोबारा देखिए लाइन लग गई है, कितने को हम दें। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं। चलो निकलो, इनको इनके घर वाले इसी ड्यूटी में लगाए हैं। हाँ, घर वाले ड्यूटी में लगा दिए कि यहाँ पर खुली नहीं, ये सब लाइन से खड़े हो गए पढ़ने लिखने की उम्र में चंदा लेने के लिए। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत एकदम साफ सफाई के साथ, कोई भी कचरा इधर उधर, ये तो जनता ही है बेवकूफ़ जो फेंकती रहती है, लेकिन हमारे यहाँ के सफाई कर्मी, इसीलिए मोदी जी आके इनका गोड़ धो के जो है इनको प्रोत्साहन दिए थे। इनके बच्चों के लिए स्कूल बन रहा है जहाँ पे सभी श्रमिक के बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, लाभ